ये ट्रिप स्टार्ट होती है 30th नाइट में, जब हम लोग दिल्ली से नारकंडा के लिए निकलते हैं। नारकंडा जाने के बाद हमने काफ़ी चीज़ें वहाँ एक्सप्लोर किया, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी मेमोरी कार्ड थी मेरे कैमरे की, वो करप्ट हो जाती है, और इस वजह से जो नारकंडा की जितनी भी फोटोज थी वो डिलीट हो गई हैं। उसके बाद की जितनी भी चीज़ें हैं वो इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज, हमें अभी भूख लगी है, तो अभी हम लोग इस रेस्टोरेंट पे रुक गए हैं। यह स्वयं भोजनालय, तो यहाँ हम देखते हैं कुछ खा लेंगे, और खाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी ब्रेकफास्ट मंगवा लेते हैं, ब्रेकफास्ट खा लेंगे, और बाद में फिर वो लंच के लिए हम अलग से वहाँ खाएंगे शिमला में। कुछ और खाना है तो तुम इधर से देख लो। मैगी खाना है, मैगी बर्गर, वेजिटेबल मैगी। क्या डोसा ही चाहिए? डोसा ही चाहिए, तो चले फिर डोसा खाएंगे उधर से। गाड़ी उधर लगाना पड़ेगा, निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, चले देख के आ जाए। अच्छा प्लेन डोसा नारियल चले देख के आता हूँ तुम लोग। पहले हम लोग पूछ के आता हूँ। मैं भी आता हूँ ना गाइस। इस रेस्टोरेंट में डोसा तो है नहीं, डोसा खाना था। ये लोग गए हैं डोसा चेक करने के लिए, बताने के। क्या बोल रहे हैं? वेजिटेबल मैगी। यहाँ से वेजिटेबल मैगी मिलेगा इसमें। तो एक काम करते हैं ना, देख यहाँ पे मैगी वो सूप और वेजिटेबल। अरे ग्रेवी मंगाओ और खा लो फिर ब्रेकफास्ट के नाम पर। ब्रेकफास्ट यहाँ कुछ है नहीं फिर, अभी जो खाना है अभी खा लो। मटर पनीर मंगा लेता हूँ। मटर पनीर मत मंगा यार भैया, एक वेजिटेबल मैगी मेरा। दो दो वेजिटेबल और आपका चार मैगी। चार मैगी कर दो भैया। फाइनली डिसाइड हो गया, चार मैगी, बाकी का देखेंगे आगे। कॉफ़ी चाहिए? मुझे चाहिए मसाला चाय। कॉफ़ी मुझे, कॉफ़ी और एक सूप है। एक सूप देखो, वेजिटेबल सूप डाल दे। सो सोनू भाई, कैसा सूप? बढ़िया। नाक में आना बंद हुआ? एकदम एकदम मस्त। क्वालिटी बढ़िया चाय? बहुत बढ़िया। वेट कर रहे हैं अभी हमारा मैगी आ जाए जल्दी से। कॉफ़ी नहीं दिया यार अभी, कॉफ़ी तो दे सकता था ये। आ गई भाई अपनी मैगी, कॉफ़ी ले आ जल्दी ले आ यार। मैगी खा के मज़ा आ गया। जी जी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। किरण थोड़ा प्यार करेगा तुम? हाँ और मैं कर लूँगा। देखा ना क्या मैगी ना, मैगी और एक ले जाना, शेयर करेंगे। करूँगा करूँगा भैया। बोलो भाई, खाई जा रहे हो? बोलो। अब खाने दो वे शांति से, खाने दो वे शांति से। कॉफी मुझे नाइट से ज़्यादा अभी बढ़िया लग रहा है। बड़े दार बनाया होगा करक, तो कुछ और बनाया था। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना भैया? कर दिया मैंने पे, ठीक है। गाइस फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अभी जान में जान आई है, तो अभी हम निकलेंगे। लेट्स गेट इनटू द कार। आइए हमारे प्रो ड्राइवर। चलो यार निकले अब जल्दी से, ब्रेकफास्ट तो हो गया, अभी जान में जान आई है खा के कुछ। अंदर ठंड हो रही है यार। नहीं Thank you.
भी एक अच्छा डिसीजन रहा है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा जाम था, तो अभी हम लोग सीधे निकल गए। क्योंकि अभी निकले हैं तब भी अभी टाइम दिखा रहा है 10 बजे पहुँचने का, तो वहाँ अगर एक डेढ़ घंटा भी रुकते तो फिर ज्यादा हो जाता। तो लेट्स सी, निकल गए सीधे सीधे अमृतसर। पानी की बोतल देना भैया, कैसी चाहिए या पेमेंट हो जाएगा ऑनलाइन? 20 रुपये चाहिए सर। वो रेड वाले भी सेम भाव है, 1400 रुपये का। भाई अपना ड्राइवर यहाँ चेंज हो गया, अपने प्रो ड्राइवर अभी रेस्ट करेंगे। और मैं प्रो हूँ। क्या बोला तूने? ए पहले क्या बोला? चल चल। खैर बढ़िया चल रही है अभी गाड़ी, व्यू बढ़िया है। पागल कर दिया जिस हिसाब ना चल दिया, वो लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब ना हंस दिया, कुड़ी दा पता करो पता करो पता करो। तो इस तरह हम काफ़ी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग शिमला से धर्मपुर पहुँचे। वहाँ जा कर के हमने हवेली रेस्टोरेंट में डिनर किया, तकरीबन 7:30 बज गए थे। रेस्टोरेंट की बात करें तो काफ़ी अच्छा इंटीरियर वगैरह इन्होंने बना रखा है, आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद हमारा नॉनवेज खाने का मन था तो हमने नॉनवेज ऑर्डर किया। ये है नॉनवेज सेक्शन, ऊपर पूरा वेज वेज था। नहीं वेज सुन के सोनू का शक्ल देखा, बहन जो वेज खाएंगे। तो किरण हाफ खत्म हो जाएगा। ये आ गया अपना मटन डारा, दो नान और मटन डारा, और ये है कढ़ाई चिकन। ठीक है, ये अभी जो बोलना है ना रोटी के लिए अभी बोल देना, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। हवेली में मस्त डिनर करने के बाद हम लोग अमृतसर के लिए निकल गए। चंडीगढ़, पटियाला, बसंतपुर और जलंधर होते हुए हम अमृतसर पहुँचे। तकरीबन रात के 1:30 बज गए थे। उस टाइम पे होटल भी ढूंढना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बट लकली एक रिक्शा वाला मिला, उसकी हेल्प से हमने होटल लिया। और हमने ये प्लान, और उस टाइम पे हम प्लान ये कर रहे थे कि नाइट में ही जा कर के एक बार गोल्डन टेम्पल देख लिया जाए, क्योंकि लाइटिंग वगैरह का रहेगा। अभी ना और चलो, अगर आप लोग जा रहे हैं तो सुबह जाओ, हम रूम पे सो जाऊंगा। अभी देखिए तो मेरा काम है, रेस्ट भी ले लेंगे। कितना बोला था यार? फाइनली आ गए रूम में। अभी हाँ, कितना बोला था? किसका? इसका रूम पड़ा है 1650 ईच। हाँ, एक ये एक साइड वाला रूम और है। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी टाइम हो रहा है 5:06 हो रहे हैं। उठाऊँ मैं अभी और जल्दी से रेडी होते हैं, फिर चलेंगे टेंपल के दर्शन के लिए, गोल्डन टेंपल। तो मैं पहले
बजे रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। यही वो बाथरूम है जिसके अंदर हमारे गुप्त लोग यानी रविंद्र गुप्ता अभी हग रहे हैं। तो भाई नहा लिया मैंने और हो गया रेडी, बस जल्दी से अभी शूज पहनना है और उसके बाद फिर निकलेंगे टेंपल के लिए। तो चलो फिर। हम जो नाइट का प्लान कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली वो कैंसिल हो गया। हमने सोचा सुबह मॉर्निंग में उठ के जल्दी चले जाएंगे, जो हम लाइटिंग वगैरह देखना चाह रहे हैं वो अगर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जाए तो भी हम देख सकते हैं। तो एक बार अपने भाइयों को भी चेक कर लेते हैं उनका क्या स्टेटस है, तैयार हुए या नहीं हुए। सो हे चेकर हो गए तैयार? हो किधर है? तैयार नहीं हुआ अभी? हाँ तैयार नहीं हुआ अभी, रेडी होकर दोबारा गया। चलो सोनू ना आ रहा है अभी। तो निकल चुके हम लोग फर्दर टेंपल के लिए और अभी यहाँ आगे से राइट जाना है सीधे, 5 to 10 minutes वॉक है। अरे गाड़ी को अभी यहीं रखा है यार, इतने लेके नहीं है बंदा, नहीं रखा है तो चाबी देके आ गया। एक्चुअली अभी सही है, अभी वो लाइटिंग वगैरह दिख जाएगा। यहाँ की मार्केट ऑलमोस्ट खुली हुई है, नहीं ये शायद 24/7 खुला ही रहता है, पूरे नाइट खुलती है ये मार्केट। और बिल्कुल सामने ये यहाँ से एंट्रेंस है। इधर से व्यू दिख रहा है वैसे। मारा बड़ा डॉन भाई, ये हमारे मारा बड़ा डॉन भाई उस हग्गा मैन। क्या बढ़िया था गुरु। इनका दो ही काम है, जहाँ खाओ वहीं हग दो। मारा बड़ा शो योर फेस। इधर दे दो कितना बार देख गया किरुलाल, देखो रेस्पॉन्स कटा के देख, रेस्पॉन्स कटा। ये है मारा बेरा उस ठग्गा। ए दिखा रे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाँ तो सोनू भाई कुछ कह रहे हो बताओ। सोनू बोलो। मारा बेरा डॉन भाई उस ठग्गा मैन, जहाँ खाते वही हक देते हैं। कल इनमें रेस्टोरेंट में ठगना ही है और क्या, रेस्टोरेंट में उधारी नहीं खाना और ठगना है। अबे बेटा माज कर दी, हां माज कर दी वहां बेटे। ओ व्हाट ए व्यू यार, ये देखो। इसे भी रखवा देना, यहाँ हमने रख दिया सूज अभी, और सूज रख के उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे। अब इसका चारों का एक साथ रखवा दो, उसका टोकन ले लो। ये तो सारा ऐसा टोकन मिल गई। हमें हाथ धोना है। चलो यार पानी तो गर्म है, एटलीस्ट पानी तो गर्म है एटलीस्ट। नीचे फर्श बहुत ठंडा हो रहा है, वो तो कारपेट बिछा हुआ है तो थोड़ी राहत है। अभी हम थोड़ा यहाँ पे हैं, बिना मेरा सुख।
तो गाइस अभी हम अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी हमें लाइन में लगना है जो मेन का गुरुद्वारा है, मेन गुरुद्वारा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम इतनी सुबह सुबह निकल के आए हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी पता नहीं इस लाइन में हमें कितना और समय लगने वाला है एंटर के लिए। तकरीबन मेरे हिसाब से 40 मिनट से एक घंटा तो करीब करीब आराम से लग जाएगा इतना सुबह सुबह आने के बावजूद। तो अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हैं इस तरीके से आने का तो बी अवेयर, थोड़ा ध्यान रखिए और थोड़ा जितना सुबह जल्दी आ सकते हैं उतना सुबह जल्दी उठ कर के आइए, क्योंकि ऐसे जगह पे आप आ रहे हैं काफ़ी अच्छा खासा क्राउड रहता है। तो लेट्स सी हम कितने देर में एंटर करते हैं और कब हमारे दर्शन हो पाते हैं। इतनी भीड़ हो रही है भाइयों की फ़ोटोग्राफी ख़त्म नहीं हो रही। अगर भीड़ की अगर देखिए, ये देखो यार पीछे क्या तगड़ा क्राउड हो रहा है इस टाइम पे, क्योंकि अभी हमें एंटर करना है और प्रॉपर क्राउड हो रहा है यहाँ पे। हमें दर्शन करके बाहर आने में तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया। तो आप जितना सुबह हो सके उतना सुबह का प्लान करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। गाइस हम लोग आ गए बाहर, अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और वीडियो कैप्चरिंग भी रिस्ट्रिक्शंस थे वहाँ पे बहुत सारे। तो हम लोग मतलब जितना पॉसिबल हो पाया मैंने शॉट लेने की कोशिश की है, बाकी देखते हैं। मैं यहाँ बाहर आने के बाद यहाँ का एक ओवरलुक देता हूँ। इस जगह पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है तो यहाँ तो कैप्चर कर सकता हूँ मैं। तो लेट्स हैव अ लुक। द्वारा से निकलने के बाद हम लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट की तलाश में लग गए। किरण को डोसा खाना था तो ज़्यादातर तलाश जो थी वो डोसा जिस रेस्टोरेंट में मिलेगा उसी रेस्टोरेंट की थी। क्या ये बर्दस कल से डोसा खा रहा है? खिला दे नहीं तो ऐसे पूरे रास्ते गाली देता जाएगा, लेकिन डोसा नहीं खिलाया। किरू इन दी फॉर्म। पंजाबी डोसा खाएगा? अरे नहीं, पंजाबी डोसा खा के गाली देगा फिर बोलेगा सही है। पता किया था क्या उम्मीद है सो डोसा मिलने के? 2.5 घंटे लाइन में लग करके और दर्शन करने के बाद डोसा मिलना चाहिए ना। बैठे ना तो ज्यादा बढ़िया है ना फिर। एक रेस्टोरेंट में डोसा नहीं मिलने पे हम लोग आगे बढ़ गए और फिर से डोसा की तलाश करने लगे और इस तरह हम लोग पहुंचे बंसल रेस्टोरेंट में। और हमने फाइनली डिसाइड किया कि अब इससे आगे नहीं जाएंगे, जो भी मिलेगा हम यहीं पे खाएंगे और उसके बाद हमें जहां भी जाना है हम चले जाएंगे। अगर यहां नहीं मिला तो किस्मत में नहीं और पीछे कहीं बैठते हैं। यहीं बैठो ना, क्या दिक्कत है? चलो उसके साथ सर चने आते हैं, छोलों की सब्जी।
करवा दे करवाओ यहाँ कर यहाँ कर दो दर्शन ढाई घंटे के बाद जब आप जाते हो वो बहुत बढ़िया फील होता है। फिर ये लगता है कि चल इसी चीज के लाए थे और अभी ये हो गया। इसके अलावा यहाँ और बाकी लुक अच्छा है। अच्छा सर लाइन में बेस्ट पार्ट क्या लगा टेंपल का जो गुरुद्वारे का अमृतसर का उन टेंपल का पूछ रहा है। हाँ अंदर जो बैठे टेंपल का बेस्ट पार्ट है सोनू जी फोटो 1500 आज सोनू आया यही बेस्ट पार्ट है और क्या इसके ज़्यादा क्या बेस्ट होता है। मेरे लिए बेस्ट पार्ट क्या है बस एक और दो बता दो आज का बेस्ट पार्ट है प्रभाकर नहा के आया। बड़ा हरामी हो बेटा नहीं तुम ना क्या आया वो पूरा डेढ़ महीने के बाद तुम जो कर रहे हो सब मेरा नाम क्यों बोल रहा है बोलो बोलो ये तो ऑफिस के लिए नाके नहीं आता है टेंपल के लिए थोड़ी आता है। अगेन और कुछ कहना है नहीं कहना है। ये मंदिर में तो मास्क ही अलाउ नहीं है वो सबसे बेस्ट बेस्ट। अरे मैं जैसे पता है क्या हुआ मैं अंदर ऐसे एकदम से घुसा ना ये आगे आगे था तो मैं जस्ट इस चीज में था कि इसको पकड़ लेना है पीछे से वो साला मैं ऐसे बड़ा पीछे से खींच के बोलता है मास्क निकाल दो। भाई ये लोगों को पहनने के लिए बोलो या उतारने के लिए बोल रहे हैं। अरे आप मास्क निकालो मास्क अलाउ नहीं है सीधा कैप पहनो। अजीब है यार लेकिन सो टेस्ट बढ़िया थैंक्स ठीक है। आप सोच तो नहीं हो रहा डोसा नहीं मिला तो नहीं कुलचा चलेगा बहुत बढ़िया। हाँ है मजेदार कुलचे के बाद ट्राई किया हमने तंदूरी चाय। अच्छा तंदूरी चाय नॉट टू मच बट हाँ ठीक है टेस्ट वगैरह एवरेज है पी सकते हैं हम। सोनू भाई को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया ये चाय नहीं है शैतान का भाई है। वाह गुड रहा ये वाला लाइन वाह क्या सीन है शैतान उधर है क्योंकि ये ब्लैक डायमंड की बात कर रहा है क्योंकि ब्लैक को हो रहा है बच के तो कंदन को डसा सीधे पुडल क्लब पहुंच गया। हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हमारा प्लान है यहाँ से जलियावाला बाग जाने का करीब 400 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से। प्रभाकर भाई जो है वो होटल जाने की सोच रहे हैं वहाँ जा कर के सो जाएंगे बाकी हम तीन हैं वो जाएंगे जलियावाला बाग वहाँ एक्सप्लोर करेंगे चीज़ें तो लेट्स सी।